वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी, डीआई सिविल थर्ड ईयर, एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, सिविल 322, चैप्टर नंबर 1, वाटर पोल्यूशन, टॉपिक इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक का कोड और बुक का नाम चैप्टर मेंशन कर चुका हूँ। इस बुक के टोटल मार्क्स 100 हैं, थ्योरी के ही हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेशनल इसका नहीं होगा और स्मार्ट सिलेबस को मैं साथ मेंशन करता चलूँगा। चलिए आज का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंसान, हैवान या पौधे जहाँ रह रहे हों, इनके इर्द गिर्द मौजूद अशिया और हालात माहौल यानी एनवायरनमेंट कहलाता है। माहौल हयातियात पर गहरा असर रखता है। माहौल बेहतर हो तो जानदारों की ज़िंदगी बेहतर गुजरती है, वरना ज़िंदगी दुश्वार गुजरती है। माहौल बिगाड़ने और संवारने में इंसान का बहुत अमल दखल होता है। इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की गर्ज से अपने ही माहौल को बिगाड़ रहा है। अब ये कैसा होता है कि देखिए, मिसाल के तौर पर ईंधन या इमारती लकड़ी हासिल करने के लिए इंसान जंगलात की बेदरीक कटाई कर रहा है, जिससे जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, जिससे जंगली हयात यानी वाइल्ड लाइफ जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। इसके अलावा जंगलात कम हो जाने की वजह से बारिशें कम हो रही हैं और ज़मीन का कटाव यानी इरोशन ज़्यादा हो रहा है। फ़ज़ा में ऑक्सीजन में की जो है वो कमी हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल में इजाफा हो रहा है। माहौल में मुज़िर अनासर का शामिल होना माहौलियाती आलूदगी यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहलाता है। इसमें पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी, ज़मीन की आलूदगी वगैरह शामिल है। यानी आप जो इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर पानी, हवा, ज़मीनी आलूदगी, शोर की आलूदगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। तो माहौल को बेहतर बनाने के लिए साइंसदान यानी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो हैं और टेक्नोलॉजिस्ट अपना करदार अदा करें, तो माहौल के बिगाड़ में काफ़ी हद तक कमी वाकया हो सकती है। जानदारों और इनके माहौल के ताल्लुक के इलम को इकोलॉजी कहा जाता है, जबकि इंसानों के माहौल के इलम को इंसानी इकोलॉजी यानी ह्यूमन इकोलॉजी कहा जाता है। जानदारों के ज़िंदगी गुजारने के लिए इनको दूसरे जानदारों और गैर जानदारों पर इन्हसार करना पड़ता है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल होता रहता है और नई चीज़ें भी पैदा होती रहती हैं। इस तरह जानदारों की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली शिया और इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में होने वाली कमी के पूरा होने के निज़ाम को इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ठीक हो गया बेटा। आगे आता है जी बेटा, वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद है? यानी ये इंट्रोडक्शन है, इसमें आप हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। वाटर पोल्यूशन से मुराद बेटा कूरे अर्ज पर, कूरा अर्ज है ना जो ज़मीन है हमारी, मौजूद पानी के ज़खायर का आलूदा होना है। पानी के ज़खायर से मुराद होता है आपका समंदर, झीलें, ठीक है, जिसे लेक्स कहते हैं, दरिया और ज़ेर ज़मीन पानी का ज़खीरा है। ठीक हो गया, ठीक है बेटा। ये ज़खायर इस वक्त आलूदा होते हैं जब इन ज़खायर में गंदा पानी शामिल होता है। पानी घरेलू इस्तेमाल के बाद या सनती इस्तेमाल के बाद गंदा हो जाता है और बराह रास्त इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। जब ये पानी साफ ज़खीरे में दाखिल होता है तो इसे भी गंदा कर देता है। इस्तेमाल के दौरान साफ पानी में नामियाती मादे, गैर नामियाती मादे और जरासीम शामिल हो जाते हैं। जब ये पानी साफ पानी के ज़खीरे में शामिल होता है तो ये आलूदगी इस साफ पानी में भी शामिल हो जाती है। इस तरह साफ पानी पर इन्हसार करने वाले इंसान, जानवर और नबातात इस आलूदगी से मुतासिर होते हैं। ठीक है, जब आप खुद जानते हैं कि पानी में कुछ जहरीले और जरासीम कश जो है वो शामिल होंगे, जरासीम वगैरह शामिल होंगे, तो वो पानी पीने से इंसानों, जानवरों, नबातात उनमें भी वो भी मुतासिर होंगे। पहले इनकी सेहत बिगड़ती है, फिर हलाकत की तरफ चले जाते हैं। पानी की आलूदगी एक आलमी मसला है, ठीक है, आलमी मसला है, ठीक है, और इसे संजीदगी से हल करने की ज़रूरत है। अगर इस मसले पर काबू ना पाया जा सका तो मुस्तकबिल में कूरे अर्ज पर ज़िंदगी का नामोनिशान मिट सकता है। ठीक है, पानी की आलूदगी को कम करने के लिए इस्तेमाल शुदा पानी यानी वेस्ट वाटर को ठिकाने लगाने यानी डिस्पोज ऑफ करने से पहले मुनासिब हद तक साफ यानी ट्रीट करना चाहिए। तो इसका एक साइकिल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि जो आपकी पोल्यूशंस हैं, ठीक है, वो लैंड है, वाटर और एयर, ठीक हो गया, और फिर आपका लैंड और एयर में विंड आ जाती है, ठीक है, हवा के ज़रिए से, फिर एयर और वाटर ये प्योरीफिकेशन है, ठीक है, और नीचे आपका इरिगेशन का सिस्टम होता है जो पानी के हवाले से है। ठीक हो गया, ज़मीन में पानी
हवा, इनके आपस में जो है ना जो लिंक्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा ये था आज का आपका जो लेक्चर इंट्रोडक्शन के हवाले से। मज़ीद भी नए लेक्चर्स इसके अपलोड किए जाएंगे। उससे पहले यह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक जो है नई वीडियोस भी आ सकें। तो इस मकसद के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।